नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। कोरोना आपदा के समय अनेक संगठनों, संस्थाओं और संस्थाओं की ओर से पहल करते हुए जरूरतमंदों के बीच भोजन के पैकेट बंटवाए गए। कई जगहों पर उनके लिए राशन का भी इंतजाम किया गया है। चतुर्थ वाहिनी PAC की ओर से सेना नायक सुधा सिंह के निर्देशन में सहायक सेना नायक BL यादव, क्वार्टर मास्टर मनोज कुमार, सूबेदार मेजर कृष्णानंद सिंह, प्रेम शंकर सिंह आदि के सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन बंटवाया गया। उनके स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें मास्क भी दिए गए। समाज सेवी रिजवान नीवा की ओर से टोली बनाकर नीवा गांव, नेहरू पार्क के आसपास, सुलेम सराय, मुंडेरा, चक निरातुल आदि क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक राशन व सब्जी आदि पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के समक्ष इन दिनों भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है। इसको देखते हुए सुपर फास्ट न्यूज और शॉर्प रिपोर्टर की टीम ने कोई भूखा न सोए अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जहां रह रहे हैं उसके आसपास अगर कोई परिवार ऐसा है जिसके खाने पीने को नहीं है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी परिवार के पास राशन खत्म हो गया तो उसके लिए राशन की व्यवस्था करनी है। जरूरी नहीं कि हम बाहर निकलकर ही भोजन बांटें। ऐसा करके आप अपनी गली से बिना बाहर निकले भी कोरोना की जंग जीत सकते हैं। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये कोई मसीहा का काम नहीं है, ये राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है। हम लोग जैसे अवगत हैं, आप लोग भी अवगत होंगे कि हमारे भी पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, पुलिस प्रमुख ने पिछले रविवार से इसी के दृष्टिगत एक ऑपरेशन सहयोग नामक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें पुलिस के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को जहां पर भी ज़रूरतमंद है उनके लिए भोजन वितरित करने का कार्यक्रम दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले रविवार से ये कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। यहां स्थानीय स्तर पर प्लस जहां जहां हमारी पोस्ट हैं और वहां जहां भी हमें कोई निसहाय और असहाय और भोजन विहीन आदमी या महिला या पुरुष देखता है या बच्चे देखते हैं, उनको हम लोग भोजन वितरित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में PAC की तरफ से एक छोटा सा योगदान है और हम आशा करते हैं कि इससे कुछ लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। मैम, WHO ने ये कहा है कि UP पुलिस जो है इसमें वर्ल्ड नंबर एक पे आ गई है सहायता के नाम। जी, हम लोगों ने पहले भी कोशिश करी है और इस बार जरूर ये एक अतिरिक्त कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है, जो सामान्य जन में जिसके लिए एक अच्छी छवि भी जा रही है। हम लोग सतत कार्य करने वाली संस्थाएं हैं जो 24 घंटे कार्य करती है। अगर इसके लिए हमें प्रेस की तरफ से भी इसमें प्रशंसा मिल रही है, जन सामान्य की तरफ से भी प्रशंसा मिल रही है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। परिचय, मेरा नाम सुधा सिंह है और मैं यहाँ 4th वाहिनी PAC धूमनगंज में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हूँ।